वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम भगोनी को गरम करेंगे। उसमें एक चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद देखिए तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये मसाले भी डाल देंगे। ये देखिए घी में ये फ्राई हो गया है। भगोना बहुत ही गर्म था और घी भी गर्म था। अब इसे थोड़ा बंद कर देंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। साथ ही हमने चावल भी धुल के थोड़ी देर के लिए भिगो दिए थे। 20 मिनट हमारे चावल पानी में देखिए भीग चुके हैं। ये देखिए 20 मिनट भीगे हुए चावल हैं। अब भगोने में हम पानी डाल देंगे। ये देखिए और इसमें अब चावल ऐड करेंगे। देखिए चावल हमने डाल दिया है और गैस ऑन कर दी है फिर से। अब हम ये चावल को अपने पकने देंगे। अगर आप ढक के पकाते हैं तो ढक के पकाइए, खोल के पकाते हैं तो खोल के पकाइए, जैसे आपको इजी लगे। वेज बिरयानी के लिए हमने प्याज काट लिया है, मिर्च काट लिया है, टमाटर का प्योरी मिक्सर ग्राइंडर में बना लिया है, मटर ले ली है। अगर आपके पास गोभी, शिमला मिर्च, आप जो भी वेजिटेबल्स खाते हो तो उसको भी कट कर सकते हैं। अब कढ़ाई में पहले तेल गरम करेंगे, उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा के बाद ये कटी हुई प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च है। जब प्याज और हरी मिर्च और लहसुन हल्का सा रेड फ्राई हो जाए तो सारी कटी हुई वेजिटेबल्स, जैसे जो भी आप खाते हो, आलू, गाजर, गोभी, मटर, सब मिक्स कर सकते हैं। मैं केवल मटर ही डाल रही हूँ। उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। जब हमारी वेजिटेबल्स फ्राई हो जाए तो हम टमाटर की प्योरी डाल देंगे। टमाटर की प्योरी डालने से पहले लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और नमक, स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। ये देखिए नमक, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला ऐड कर देंगे। और इसे मिक्स करके टमाटर की प्योरी ऐड कर देंगे इसमें। टमाटर की प्योरी डालने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा ढककर पकाएंगे और फिर इसमें ये उबले हुए चावल ऐड कर देंगे। देखिए हमारा टमाटर हमने ढक दिया था इसलिए पक गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखिए हमने इसमें चावल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक कर पकाएंगे और फिर हमारी वेज बिरयानी रेडी है। 2 मिनट बाद हम इसे उतार लेंगे और हमारी रेडी हो जाएगी वेज बिरयानी। 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारी वेज बिरयानी रेडी है। कढ़ाई में हमारे चावल जल सकते हैं इसलिए हम वापस इसे भगोने में या किसी और बर्तन में निकाल लेंगे।